विराट कोहली जो हो गया वी आर विथ यू वी आर विथ अवर इंडियन क्रिकेट टीम एंड आई एम श्योर टीम इंडिया विल बाउंस बैक। गुआवा देखो आराम कर रहे थे खाता ना बोल्ट कसा बघते काय करतो बोलतो ही कुठली पद्धत तुमची दोघांची अरे माझी पद्धत आज मॉर्निंग को जल्दी उठा जल्दी इन द सेंस 7:30 बजे उठा कल का मैच का वीडियो एडिट किया अभी रेंडरिंग के लिए रखा है थोड़ी देर बाद अपलोडिंग करूँगा। कल की मैच अच्छी रही अंगद ने 18 रन बनाए 23 बॉल्स में रुद्रा ने कुछ 43 बॉल्स में 38 रन बनाए एंड शुभम ने बहुत ही अच्छी इनिंग खेली ब्लिस्टरिंग मतलब 63 रन बनाए उसने एंड आउट ऑफ दैट 15 वेयर बाउंड्रीज मतलब 60 रन तो उसने बाउंड्रीज में ही बनाए। सामने वाली टीम को वन साइडेडली बैटिंग में हम लोग ने मात दे दी। थोड़ा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है हमें फील्डिंग में अभी भी तो वो हम लोग थोड़ी कोशिश करेंगे काम करेंगे उस पर। आज बहुत ही ज़्यादा बुरी खबर मुझे मिली दिल दहलाने वाली शर्मनाक खबर मुझे मिली इंडियन टीम ऑस्ट्रेलिया में सेकेंड इनिंग में 36 रन पे ऑल आउट हो गई। 36 रन अंगद तुम लोग 90 पे ऑल आउट होते हो इंडियन क्रिकेट टीम तो 36 पे ऑल आउट हो गई। दैट वॉज डिजास्टर मतलब 36 पे इंटरनेशनल टीम आउट होना वो भी इंडिया जैसी क्या बोल सकते इसको। ठीक है इसका विश्लेषण थोड़ा करना पड़ेगा बाद में मुझे बैठ के अभी तक मैंने देखा नहीं टीवी चालू करके और अभी देखूंगा ज़रूर। बट देखो ये क्रिकेट है और ये होता है मतलब 36 रन में ऑल आउट हो गई तो ये इंडिया के लिए बड़ी बात है बट ये क्रिकेट में होता है एंड दैट्स वाई उस दिन मैंने पहले वाले व्लॉग में बताया था कि जितना इम्पोर्टेंट बॉल को खेलना है ना उससे कई ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन सा डिलीवरी छोड़ना है ना वो होता है। बहुत सारे लोग बोल रहे थे नहीं ऐसा नहीं होता स्लो खेलता है वगैरह ऐसा नहीं होता है वो टेस्ट फॉर्मेट का टेम्परामेंट रहता है। अभी हमारी टीम क्या होती है बहुत सारा T20 फॉर्मेट खेलती है वनडे खेलती है वनडे T20 खेलती है तो अभी हम लोग है ना वनडे भी मतलब टेस्ट भी T20 फॉर्मेट में खेलने की कोशिश करते हैं तो ऐसा नहीं होता। तो ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस है ऊपर से पिंक बॉल है जो बहुत ज़्यादा हिलता है तो कंडीशंस की एंड बॉलर्स की रिस्पेक्ट करना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप नहीं करोगे तो 36 पे ऑल आउट ऐसे कुछ चीज़ें देखने को मिलेगी। जरा गुआवा एंजॉय करता हूँ थोड़ा हाईलाइट देखता हूँ क्या किया है भाई लोगों ने अपने क्या बोल तुला गुआवा आवड़त नहीं बोल्ट को गुआवा नहीं अच्छा लगता बोल्ट को ना एप्पल अच्छा लगता है फॉरेनर है ना अमेरिकन है एप्पल अच्छा लगता है गुआवा नहीं आवड़त तुला एप्पल आवड़ दो। और ये कल मेरी लाइट्स आ गई मेरे सम की लाइट ख़राब हो गई है उसका जो लाल LED है वो ख़राब हो गया तो ये आई है स्पेयर मंगाया मैंने एक स्पेयर रहेगा और एक लाइट तो उसकी वायर जोड़ना पड़ेगी। RGB लाइट है मतलब इसमें बरस बहुत सारे कलर होते हैं जो पिंक का स्पेक्ट्रम चाहिए उसकी ये लाइट है। और एक बात हाँ हमारे एक सब्सक्राइबर है गुजरात से उनका नाम है संजय तरबुरिया उनका बेटा क्रिकेट खेलता है प्रिंस उन्होंने मुझे कुछ पार्सल भेजा है गुजरात से कच्छ से तो वो मुझे कल मिला है तो अनबॉक्सिंग करना है क्या है अंदर एक्चुअली मुझे थोड़ा पता नहीं है उन्होंने बोला था बट मैं भूल गया एक्चुअली अंदर क्या है तो ये भी खोलूँगा आज एंड वो लाइट भी लगा दूंगा। एंड प्रक्षति अग्नि बाहर गए हैं आज कुछ काम से तो वो आज नहीं रहेंगे यहाँ पे तो आज दिन भर मैं और अंगद ही हूँ। ओके एंड अंगद इज प्लेइंग कॉल ऑफ ड्यूटी मैच में स्कोर करो जरा कॉल ऑफ ड्यूटी खेलते हैं। ये देखो ये वो लाइट थी जो सम्प में थी अंदर सॉल्ट की वजह से पूरा गंज खा गई एंड ख़राब हो गई तो इसकी वायर निकाल के इसमें लगा देता हूँ। चलो प्रक्षति अग्नि गई है बाहर तो मैं ज़रा खाना लेके आता हूँ तो पीछे एक छोटा मेस है वहाँ पे चपाती भज चपाती सब्जी एंड दाल राइस मिलती है तो वो खाता हूँ क्योंकि अभी पथ्य है तो ज़्यादा स्पाइसी नहीं खा सकता। ओके बोल्ट और बोल्ट यहाँ पे खिड़की पे बैठ के नीचे देख रहा है कुठे गेली प्रक्षुति प्रक्षुति कुठे गेली ओ बाहर गेली बाहर गेली बेचारा नाराज हो गया अकेला बैठा है। चलो अंगद पार्सल काय झालं छोले छोले भटूरे छोले मटर उसळ मला मटर उसळ तुला छोले आणि आणि माला येतो माला नॉट फॉर नॉट माला बाय माला चॉकलेट फलुदा दोघांचं नाही 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 मला
चलो जरा हम लोग अभी पेट पूजा कर लेते हैं। हम दोनों ही हैं, अकेले हम अकेले तुम, ऐसा हो गया हमारा अभी। ओढ़ थक गया वो, चूस चूस के। चल संपो चॉकलेट फालूदा। आता इजी पड़ते। चलो मैं जरा आराम करता हूँ, शाम को एकेडमी भी जाना है। आज प्रक्षोधी अग्नि नहीं है तो शायद अंगद की स्कूल को डांडी मारनी पड़ेगी। एक लेक्चर अटेंड करेंगे हम लोग, 3 o'clock का जो लेक्चर है वो अटेंड करके फिर हम लोग जाएंगे। एंड ब्लॉग पब्लिश हो गया है, जैसे उसको एंड स्क्रीन लगा देता हूँ। मैं ऑलवेज एक कॉपी डाउनलोड करके हार्ड डिस्क में सेव कर लेता हूँ। अंगद का फर्स्ट लेक्चर ख़त्म होगा तो हम लोग जाएंगे, और अंगद ने बैग पैक कर लिया है, कपड़े पहन लिए हैं, एंड कपड़े पहन के वो लेक्चर अटेंड कर रहे हैं क्योंकि जाने में आसानी होगी। एंड अब आज जो इंडियन क्रिकेट टीम जो हारी है, दैट वाज डिजास्टर्स परफॉर्मेंस था। बट क्या हो रहा है, मैं अभी थोड़ा सोशल मीडिया देखा ना, तो सोशल मीडिया पे बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है। नहीं, क्रिटिसिज्म होना भी चाहिए, बट बहुत सारे इंडिविजुअल लोग हैं ना, इंडिया को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, मीम्स बना रहे हैं। तो ये वो लोग हैं ना जो अपने गली में भी एक रन नहीं बना पाते, वो लोग टीम इंडिया को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। नो डाउट परफॉर्मेंस आज का बहुत ज़्यादा खराब था, बट एज अ क्रिकेटर, एज कोच, हमें इसको इतना डिप्रेशन के हिसाब से नहीं लेना चाहिए। चलो ठीक है, कोई ना कोई दिन होते हैं ऐसे खराब होते हैं। मैं ऐसे देखता हूँ कि जनरली देखो कोई भी बैट्समैन 0 पे आउट हो सकता है या कम स्कोर पे आउट हो सकता है। सचिन तेंदुलकर आउट हुआ है, राहुल द्रविड़ आउट हुआ है, डॉन ब्रैडमैन भी आउट हुआ है। तो 0 पे आउट होना या लो स्कोर पे आउट होना कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ दिन ऐसा होता है ना, एक आध दिन जो मतलब बोलते हैं ना, सब ग्रह मिला के आते हैं कि सबका लो स्कोरिंग होता है। वो आज का दिन था तो सब लोगों का ऑलमोस्ट 0 यार, डबल फिगर आई थिंक किसी ने भी नहीं बनाई। तो आज सब लोग के ग्रह एक जैसे मिलके आके सब लोग का बैड परफॉर्मेंस हुआ। बट ठीक है, इससे भी टीम इंडिया उभर के आएगी, हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए। आफ्टर ऑल उनको ही खेलना है ना, हमें आप और हमको तो जाके खेल नहीं सकते। हम लोग वहाँ पे इतनी हमारी औकात नहीं है अभी तक, है ना। तो उन्होंने उतनी औकात उन्होंने बनाई है। एक आध फेलियर आता है टीम के जर्नी में, बट उससे उभर के आना ज़्यादा ज़रूरी है। एंड एट दिस स्टेज, ऐसे स्टेज पे या ऐसे सिचुएशन पे हमें हमारे टीम के साथ होना चाहिए। ठीक है, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म होना चाहिए। न्यूज़ एंकर वाले या न्यूज़ या जो भी सीनियर प्लेयर्स है वो क्रिटिसाइज करेंगे, उनको इनपुट्स भी देंगे, बट जो मीम्स बन रहे हैं ना, तो दैट इज़ मुझे उतने सही नहीं लगे। भाई आप अपने गली में पहले 2 रन बनाओ और फिर टीम इंडिया को आप सलाह दो। वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं वो लोग। हाँ, होता है कभी कभी फेलियर आता है। कल का दिन उनके लिए बहुत अच्छा था, कल के दिन में उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, आज का दिन खराब था। वापस नया दिन होगा, वापस नई मैच होगी, वापस हम लोग बाउंस बैक करेंगे। तो ये होता है क्रिकेट में, वो खेल रही है, उनको सलाह देने वाले, उनके ऊपर काम करने वाले बहुत लोग हैं और वो करेंगे। आई एम विथ माई टीम इंडिया, सो उनको उनका काम करने दीजिए, आप अपना काम कीजिए। विराट कोहली, जो हो गया हो गया, वी आर विथ यू, वी आर विथ अवर इंडियन क्रिकेट टीम, एंड आई एम श्योर टीम इंडिया विल बाउंस बैक। अडॅप्टर ना, माइक पण टेस्ट करायचा आहे आणि अडॅप्टर। ये अनुज का माइक एंड माइक अडॅप्टर है। एक्चुअली अनुज का ना वॉइस कैप्चर नहीं हो रहा था सही तरीके से, तो हम लोग ने गोप्रो, ये अनुज के डैडी है, अनुज के डैडी ने गोप्रो को रिस्पॉन्डेंस किया। गोप्रो सिंगापुर से उनको रिस्पॉन्स आया कि आपका गोप्रो कंपनी रिप्लेस करके देगी। तो उसका जो भी कुरियर चार्जेस है वो भी गोप्रो ने ही पे किया, एंड उनको UPS जो कुरियर सर्विस है वहाँ पर जाके उन्होंने गोप्रो दिया। वहाँ पे ऑलरेडी बिल पे था गोप्रो की तरफ से, अभी वो गोप्रो जाएगा सिंगापुर और वहाँ से रिप्लेस होकर इनको नया गोप्रो मिलेगा। जस्ट फॉर द सेक ऑफ आवर नॉलेज, हम लोग ये अडाप्टर आज मैं घर जाके टेस्ट करूँगा कि इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना। तो ये गोप्रो का बहुत ही अच्छा सर्विस है और मुझे भी अभी पता चला, इसीलिए इंटरनेशनल कंपनियाँ जो रहती ना उसका सर्विस बहुत ही अच्छा रहता है। मतलब वो कस्टमर पे डाउट नहीं करती है कभी, हाँ आपके अगर प्रोडक्ट में कुछ प्रॉब्लम है तो हम लोग रिप्लेस करके देंगे। चला संकेत सर, आज कुछ जमा नहीं व्लॉग करने को, हमको लिया था बीच में हाथ में कैमरा बट वो रह गया। अभी हम लोग जाएंगे आज संकेत और सर, हम लोग जरा खाना खाएंगे, प्रक्षोति नहीं है और संकेत सर वेज है और हमारा भी पथ्य चालू है, तो हम आज जरा वेज होटल ढूंढेंगे जरा। चलो पहला एकेडमी से बाहर निकलते हैं। चलो हम लोग अभी आए हैं नेट से हमारे घर, एंड ये पार्सल है, ये जो खोलना है, संकेत सर ने मुझे अभी याद दिलाया, ये पार्सल खोल देते हैं क्योंकि बाहर में हम लोग बाद में को खाना खाने के लिए भी जाना है। अंगद थोड़ा फ्रेश हो रहा है, तब तक ये पार्सल खोल देते हैं। सर जरा आइए, जरा कैमरा होल्ड कीजिए। स्पाइसेस की स्मेल आ रही है, स्पाइसेस। ओके, ये जीरा है आई थिंक, है क्या?
लगा म्हणतात मोरी ना मोरी मोरी हां द स्पाइसेस. सो थैंक यू वेरी मच संजय जी, ये सब अभी प्रकृति के हवाले कर देंगे, वो उसका सदुपयोग करेगी क्योंकि ये हमें तो यूज करने को आएगा नहीं. अंगद अरे बोल, देखता होता घर आज. ओके चलो अंगद फ्रेश होके आया, अभी हम लोग जाते हैं खाना खाने को क्योंकि कल हमारा मैच भी है. तो वीडियो जल्दी एंड करते हैं, वीडियो छोटा रखेंगे आज का, जल्दी ख़त्म करेंगे क्योंकि मॉर्निंग को जल्दी उठना है. और प्रक्षति और अग्नि नहीं है तो हम लोग दोनों ही है, तो तैयारी हमको ही करनी है, चाय वाय सब नाश्ता वाश्ता. तो आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं. अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, नॉट डिलीश चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. ओके एंड हिट दैट बेल आइकन, तो नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको आती रहेगी. सो दोस्तों एज ऑलवेज अडियोस अमिगोस. अडियोस अमिगोस.